नमस्कार किसान साथियों, मैं पवन धाकड़ आपके अपने YouTube चैनल बदलता किसान में सभी किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज बात करने वाला हूं आपके बीच में लहसुन और प्याज में पिलासपन के ऊपर, क्या टेक्निकल काम करता है और किस वजह से उसमें पिलासपन आता है, उसके निवारण पर भी हम बात करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो किसान साथियों, मैं आज आपके बीच में आया हूं जो कि लहसुन और प्याज में पिलासपन की बात को लेकर, कि इसमें प्याज में और लहसुन में पिलासपन क्यों आता है। किसान साथियों, देखा जाए तो बहुत सारे किसान साथियों का नर्सली प्याज में पिलासपन आने की वजह होती है या तो हुमिक की कमी या किसी फंगस के कारण उसमें पिलासपन आता है। बहुत सारे किसान भाई उसमें यूज करते हैं, जैसे कि देखा जाए तो वायर का फोलिकोर आता है जो कि स्प्रे भी किया जा सकता है और जमीन से भी दिया जा सकता है, और बहुत सारे पायरोक्सोबिन जो कि बीएसएफ का प्रयाक्सर के नाम से आता है, केबरेटाप आता है, धनुका को कोनिका नाम से आता है, जो कि काफी हद तक अच्छे रिजल्ट देते हैं, जो कि पिलासपन को दूर करने में अच्छी मदद, या उसके साथ अगर आप डालना चाहे तो पीजीआर भी डाल सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे हुमिक आते हैं, कृषि रसायन का क्रिकेल के नाम से आता है, बहुत सारे आते हैं जो कि आपकी फसल को अच्छी तरह ग्रोथ और लंबे टाइम तक ड्यूरेशन भी देगा। किसान साथियों, लहसुन में भी ऐसी प्रकार की बहुत सारे समस्या आ रही थी, कमेंट आ रहे थे कि जिस प्रकार हमारे लहसुन में पिलासपन नहीं जा रहा है। तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि या तो आप पहले अपने खेत की लहसुन को एक या दो गांठ उखाड़ कर देख लीजिए जमीन के कीड़े तो नहीं है, अन्यथा उसके साथ आपको कीड़े के निवारण के लिए फिप्रोनिल या फिर जैसे कि एफएमसी का फटेरा आता है, पीआई कंपनी का वर्टाको आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है वो, या फिर क्लोरो, और सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो क्लोरो आपकी जमीन को नुकसान भी करता है। हिसाब से आप थायोमेथॉक्सम 30% एफएस लीजिए जिससे आप सी ट्रीटमेंट करते हैं, उससे काफी हद तक आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। किसान साथियों, यह तो ही जमीन की बात, जो कि कीड़े अगर ना होने पर भी पिलासपन आता है तो आप उसमें पिलासपन के लिए या तो किसी फंगीसाइड का स्प्रे करिए या फिर हुमिक, जो कि हुमिस बेस रहता है, हुमिक जिस पीजीआर में रहता है वो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें यूज करिए तो उससे काफी हद तक आपको ग्रोथनेस मिलेगी। जैसे कि बहुत सारे किसान भाई एजॉक्सटोबिन का भी यूज करते हैं, मेराडोल जो आती है अडावा नाम की, उसके भी काफी हद तक, जो कि आपके पौधे को जो क्षमता रहती है वो काफी हद तक बढ़ा देता है और ग्रोथनेस पर लाता है। इसी प्रकार किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे हमारे पास कि हमारी लहसुन पिलासपन में जो आ रहे हैं कौन सा फंगीसाइड यूज करें या कौन सा नहीं, तो मैं आपको कुछ 4-5 प्रोडक्ट बताऊंगा, हालांकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इस फंगस के लिए, बाकी मैं मेन मेन टॉपिक आपको बताऊंगा। जैसे कि बायर का बोनस आता है जिसमें टेबुकोनाजोल रहता है, फोलिकोर आता है उसमें भी टेबुकोनाजोल ही रहता है बट बोनस में थोड़ा ऊंचे लेवल पर टेबुकोनाजोल रहता है। उसी प्रकार प्रयाक्सर आता है जो कि बीएसएफ कंपनी का आता है, धनुका नाम का कोनिका आता है, ऐसे अन्य प्रकार के अन्य कंपनियों के मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल आपको मिल जाएंगे। किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों के हमारे पास कमेंट आए थे कि बोले हमारी लहसुन में थ्रिप्स आना स्टार्ट हो गई, तो थ्रिप्स आने के लिए मैं दो तरीके से थ्रिप्स का निवारण बताऊंगा आपको, एक तो हल्का डोज और एक ज्यादा थ्रिप्स होने पर ज्यादा हैवी डोज। किसान साथियों, पहला डोज में बताऊंगा जो कि आप एसीफेट मार्केट में मिलता है वो, और प्रोफेनस हाइपर से आपका थ्रिप्स कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसके साथ सिलिकॉन लेना अवश्य है क्योंकि सिलिकॉन आपके पत्तियों के अंदर तक कोई भी दवाई नहीं जाती है, और बहुत सारे किसान भाइयों की मानसिकता है कि चिपको ओनली झाग बनाता है, ये गलत मानसिकता है आपकी, और मैं बताऊंगा आपको कि चिपको अन्यथा अंदर तक दवाई का पहुंचाने का काम करता है, जो कि सिलिकॉन बैस 5 ml या 10 ml टंकी वाला आप यूज करिए। इसी प्रकार बहुत सारे किसान भाइयों के ज्यादा थ्रिप्स हो रही थी तो उस पर भी हम बात करेंगे। ज्यादा थ्रिप्स होने पर आप ग्रहड़ा कंपनी का पॉलिश जो आता है 40-40 के नाम से आता है, उसमें 40% फिप्रोनिल और 40% इमिडाक्लोपिड होता है, जो काफी हद तक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी कंपनियों के, जैसे कृषि रसायन का क्रिकेल्प भी आता है, क्रीमैक्स 80 के नाम से आता है, इसी प्रकार निचिनो कंपनी का युवान आता है, जिसमें सारे टेक्निकल में बात करूं तो टेक्निकल वही मिलेंगे आपको, फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोपिड 40%। इसके साथ क्रॉस कॉम्बिनेशन के लिए आपको क्या लेना है ये भी मैं आप डिस्कस करता हूं। क्रॉस कॉम्बिनेशन आप चाहें तो प्रोफेनस हाइपर, जैसे कि सिजेंटा की पॉलिट्रिन हुई, नागार्जुना कंपनी की प्रोफेक्स सुपर, या अन्य किसी कंपनी पीआई की रॉकेट हुई, यह लीजिए, या अन्यथा फिर बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपकी थ्रिप्स है तो आप क्रॉस कॉम्बिनेशन में लेमड़ा साइपर लीजिए, जैसे कि सिजेंटा की कराटे आती है, या दबंग आता है सफायर के नाम से, सफायर आता है, दबंग आता है, सोफेक्स का सफायर नाम से आता है, जो कि आपको काफी हद तक अच्छे रिजल्ट देगा। बट किसान भाइयों, मैं एक और बार आपको बोलना चाहूंगा, सिलिकॉन अवश्य यूज करिए जिससे आपके पौधे के अंदर जो थ्रिप्स रहती है वो आप देख नहीं पाते हैं नंगी आंखों से, जबकि अंदर होती हैं, उसी प्रकार उसके महाथ्रिप्स तक जाने के लिए दवाई प्रॉपर नहीं जा पाती है, सिलिकॉन उसको प्रॉपर तरीके से फैलाने का काम करता है पत्तियों पर, इसलिए आप सिलिकॉन अवश्य यूज करिए। धन्यवाद किसान साथियों, इसी किसी प्रकार की जानकारी आपके पास हो या किसी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद किसान साथियों।